ने देश में आपसी सौहार्द की एक बड़ी मिसाल पेश की, जहां एक ओर अयोध्या विवाद का फैसला सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हो चुका है, लोग अफवाहों की आशंकाओं में हैं, वहीं अयोध्या शांत है। वहीं बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी और श्री राम जन्म भूमि रामलला पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास साथ बैठ कर आपसी भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। वही श्री रामलला मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने उनके आवास पर बाबरी मस्जिद पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुलाकात किया। दोनों पक्षों ने साथ मिलकर कहा कि फैसला जो भी आए दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट के निर्णय मानेंगे, देश में आपसी भाईचारा कायम रखेंगे। देखिए, हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से भाईचारे की बैठक जो विचार रहते हैं और आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और जो जहाँ तक राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का कोर्ट अपना जैसा फैसला दे करे, लेकिन हम सारे दोनों लोग मिल करके सारे देश को यही संदेश देते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग भाईचारे के रूप में यहाँ हैं, उसी प्रकार से आप सारे देशवासी भाईचारे की शांतिपूर्वक भाईचारे के निर्वाह करते रहें और पूरे देश में शांति रहे, किसी प्रकार के विवाद न सांप्रदायिक हो और न किसी प्रकार का हो, तो विवाद न हो और आपसी भाईचारे बने रहे, पूरे देश में शांति रहे, यही संदेश हम लोगों ने देशवासियों को दिया। जैसे भाईचारा ये अयोध्या की जो सांस्कृतिक है, गंगा जमुनी तहजीब है, ये हमेशा रही और रहेगी। हम तो हमेशा हिंदू और मुसलमान के बीच में रहे, साधु संतों के बीच में रहे, पूरी दुनिया को ये संदेश देते रहे, हमेशा देते रहे कि अयोध्या का जो संदेश जब पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया को देख रही है कि अयोध्या में एक तरफ जो है भगवान राम के पुजारी भी है तो एक तरफ पक्षकार इकबाल अंसारी भी है। ये हमारी खानदानी परम्पराएँ हैं जो अयोध्या की हैं, जो अयोध्या का पूरा हिंदू मुसलमान हमेशा जो है, चाहे वो साधु संत हो चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, हमेशा एक साथ उठना बैठना आना जाना बातचीत करना ये सब लगा रहा। ये यहाँ की पुरानी धरोहर है अयोध्या की। मिसाल जो है अब तो जो है पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि अयोध्या में हिंदू और मुसलमान और साधु संतों में कोई विवाद नहीं।